दुनिया भर में लगातार सिमट रहे जंगल और प्राकृतिक वातावरण के कारण पक्षियों की कई दुर्लभ प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है। इस दौर में भी पक्षियों को बचाए रखने के लिए इंदौर आगे आया है, जहां देश और दुनिया के दुर्लभ पक्षियों के लिए प्राकृतिक आश्रय स्थल मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही कई एकड़ में फैले शहर के पितृ पर्वत पर पक्षियों के लिए टाउनशिप बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले चरण में यहां विकसित किए गए जंगल में पक्षियों के लिए 1000 प्राकृतिक घरौंदे तैयार किए जा रहे हैं, जहां उन्मुक्त होकर पक्षी अपने घोंसले बना सके। तो ये एक ऐसा है जहां पर लोग आके उनका नेस्टिंग कैसा किया जा रहा है, उनका डाइट क्या है, ये पूरा यहाँ पर बस बैठ के दे कैन लर्न फ्रॉम हियर, यहाँ बैठ के वो सीख सकते हैं। यहाँ अलग अलग किस्म के फाख्ता है, अलग अलग किस्म के फिंचेस है, तोते है, बटेर है, तो ये एक इकोसिस्टम है। ऐसा आपको कहीं पे भी इंडिया में कोई जू में ऐसा दिखाई नहीं देगा जहाँ 2 इंच से लेके 2.5 फुट तक का चिड़िया एक साथ बैठ के खाना खा रहा है। आला मंडल में भी एक ऐसे पक्षी विहार डेवलप किया था, वहाँ भी रखते थे घायल पक्षी भी रखते थे और वो अपने आप में एक सेंचुरी जैसा बन गया है। चिड़ियाघर में देखिए अभी आप डेवलप किया है, बाहर के पक्षियों को रखना, उनका इलाज करना, ये कंसेप्ट समय समय पर पशु चिकित्सा विभाग, वन विभाग द्वारा ये सब कार्रवाइयाँ चलती रही, ऐसा होता रहा है। इस तरह के वन विहार टाइप के, पक्षी विहार टाइप के क्षेत्र बनाए गए जहाँ पर पक्षियों को रखना और ठीक करना, उनके पास रहना और रहे और चलना और चले जाए, ऐसा हो चुका है वैसा। और जहाँ तक रहा निजी स्तर पर काम करने का, तो स्वागत योग्य। देश के अन्य तमाम महानगरों की तरह ही 3,898 वर्ग किलोमीटर में फैले इंदौर के आसपास जितने भी वन क्षेत्र और पक्षियों के प्राकृतिक आवास स्थल थे, वह कृषि भूमि के विस्तार और तेजी से बढ़ते शहरीकरण से उजड़ चुके हैं। कोरोना काल के दौरान यहां विकसित किए गए बगीचों में भी पक्षियों के आवास स्थल छिन चुके हैं। इन हालातों में जितने पक्षी अब बचे हैं, उन्हें अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संकट से जूझना पड़ रहा है, लिहाजा पक्षी प्रेमी पक्षियों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ETV भारत, मध्य प्रदेश।